क्या वांडा विजन को देखना जरूरी है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखने के लिए? वांडा विजन सीरीज ने कौन सी नई जर्नी की शुरुआत की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकुरी और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एमसीयू की इसी महीने रिलीज होने वाली मच अवेटेड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की। मार्वल फैंस के दिमाग में एक बेहद जरूरी सवाल था, जो कि लगभग सबके दिमाग में चल रहा था, कि क्या अगर ऑडियंस में से किसी ने वांडा विजन टीवी सीरीज नहीं देखी है तो क्या फिर भी वो इंसान बिना किसी इशू के डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देख सकते हैं? काफी ऑडियंस ने तो ये भी सवाल पूछा कि बिना एंड गेम देखे भी क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखने में दिक्कत नहीं आएगी? तो भला ऐसा कौन सा मार्वल फैन होगा जिसने एंड गेम नहीं देखी होगी? इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइजी ने कहा कि मार्वल की टीवी सीरीज वांडा विजन को देखना जरूरी नहीं है, और उन्होंने सभी अफवाहों को नकारा कि उसको देखे बिना आपको डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं देखनी चाहिए। ये सभी नकली खबरें हैं। हाल ही में एमसीयू की पहली टीवी सीरीज खत्म हुई है, और ना सिर्फ वो एक बेहद सक्सेसफुल रही है व्यूज के मामले में, बल्कि साथ ही साथ उस सीरीज ने मार्वल की एक नई जर्नी शुरू कर दी है, ताकि वो अपनी मूवीज को और टीवी सीरीज को इंटरवाइन कर सके, जिस वजह से वो अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा शानदार तरीके से दर्शा सकेंगे। और यहाँ तक कि वांडा विजन सीरीज में बहुत सारे टीजर्स थे और कनेक्शंस भी थे मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्वल के बारे में, जिसमें एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि स्कारलेट विच भी होने वाली है। ओल्सन का रोल, जो कि सैम रेमी की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में होने वाला है, उसके बारे में सभी को वांडा विजन के प्रीमियर से भी पहले ही पता था। यहाँ तक कि मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडा विजन को डायरेक्ट किया है, उन्होंने सैम रेमी के साथ स्कारलेट विच के कैरेक्टर के बारे में काफी डिस्कशंस भी किए थे, जिससे ये पता चला है कि एगेथा का ये कहना कि स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो डार्क होल की किताब को पढ़ती नजर आई थी पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि मार्वल का एक स्मार्ट मूव था दोनों डायनेमिक डुओ को एक साथ लाने का। इन सभी कनेक्शंस के बावजूद मार्वल ने ये डिक्लेयर किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखने के लिए वांडा विजन देखना कंपलसरी नहीं है। तो ऐसा किस लिए है, ये तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा। तब तक आपके इस मूवी को और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, सुनने का कुछ अनसुना और कहने का कुछ अनकहा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल बॉलीडैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने।